दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, बी आर सॉरी बी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिक्लाइन। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यू इन्फिनिशेंट मी टू पॉलिसी नाम्स, पता नहीं क्या इनका पॉलिसी होता है। मेरा जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों किया गया है ये मैं अपनी तरफ से बताने वाला हूँ कि मेरा एप्लीकेशन क्यों किया, ये रीज़न हो सकता है बिल्कुल, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मेरा एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ। हो सकता है मैंने ये क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिया था एक महीने का, हो सकता है उसी की वजह से हुआ हो ये रिजेक्ट। और उसमें उस समय लिमिट आपको बता दूँ कितनी लिमिट थी, और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको पूरा रीज़न कि हो सकता है इस वजह से मेरा जो है कार्ड डिक्लाइन किया गया हो। मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी हैं। HDFC 75,000 लिमिट है और SBI 1,35,000 लिमिट है, और RBL का जो है वो 35,000 लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, 1 साल पुराना। तो मेरा कार्ड जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको मैं स्टेटमेंट जो मैंने दिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्या गलती की थी मैंने स्टेटमेंट देने के बाद, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। देख सकते हैं ये अगस्त महीने का स्टेटमेंट है, 19,968 रुपये थी और 55,032 रुपये लिमिट बची है इसमें, देख सकते हैं आप और देख लीजिए आप। और मैंने इसमें क्या गलती की है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए मेरा कार्ड जो है वो रिजेक्ट हो गया। और मेन रीज़न यही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी सिविल भी 759 है लेटेस्ट, कोई भी पेमेंट डिले नहीं है, 200 प्लस पेमेंट हो चुके हैं अगर हिस्ट्री में आप देखेंगे तो, 200 प्लस पेमेंट। और रीज़न इसका क्या हो सकता है रिजेक्ट होने का वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट दिया था एक महीने का लेटेस्ट, और कोई भी दिक्कत नहीं थी। स्टेटमेंट देने के बाद मैंने क्या किया था, इससे जो है कुछ परचेज कर लिया था, तो मेरी लिमिट जो है वो 37 रह गई थी, जो 37,000 कुछ रुपए रह गई मेरी जो लिमिट थी। तो इसे हो सकता है इसी वजह से मेरा जो कार्ड है वो रिजेक्ट हुआ हो, और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ और देख लीजिए आप। तो यहाँ पे ये जो है वो ये हो सकता है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये गलती ना करें, वरना आपका भी जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, पता नहीं क्यों, मेरी वजह से ये रीज़न मुझे लगता है यही होगा। देख लीजिए, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 37,073 रुपये रह गई है, बाकी मैंने 55,032 रुपये थी, उसके बाद मैंने कुछ शॉपिंग कर ली और जो है वो यूज हो गया। मुझे अप्लाई कर जब तक मेरा अप्रूवल नहीं हो जाता मुझे लिमिट को यूज नहीं करना चाहिए था, हो सकता है इसी वजह से ये रिजेक्ट किया गया हो। और बिल्कुल ये रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने, और मेरे पास कोई भी कॉल भी नहीं आई। मैंने देखा आफ्टर 72 घंटे के बाद एप्लीकेशन में रिजेक्ट का ये जो है वो शो होने लगा था। और ये देख लीजिए, इसका जो 10 तारीख का पेमेंट ड्यू था वो भी मैं जो है पे कर दिया हूँ, और इस समय जो लिमिट बची है वो 37,073 रुपये बची हुई है। तो इसी वजह से इनने, हो सकता है देख ये जो क्रेडिट कार्ड समरी जो दिखा रहा हूँ मैं आपको वो देख लीजिए, 6296, और जो स्टेटमेंट में भी है वो भी 6296। मैं किसी और का भी नहीं दिखा रहा हूँ कि अपने वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ, जो जेन्युइन कंसर्न है वही मैं बता रहा हूँ। अगर आपने स्टेटमेंट दिया है क्रेडिट कार्ड का तो उसका लिमिट बिल्कुल यूज ना करें, वरना मेरी तरह आपका कार्ड भी रिजेक्ट हो सकता है। और इनने एप्लीकेशन में ये शो होने लगा था जब रिजेक्ट हो गया, और इससे पहले देख सकते हैं कार्ड जनरेशन का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब वो नहीं आ रहा है, अब ये रिजेक्ट हो चुका है, और ये मेरा कार्ड जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये गलती ना करें, अगर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिया है, और कोई भी लोन इंक्वायरी भी ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।